मैं हूं आपका मेजबान अमर जुल्किफ्ल और खुश आमदीद कहता हूं आपको आज के व्लॉग में। और हर दफा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक बसंत के नए व्लॉग के साथ। अच्छा तो अभी 12 बज रहे हैं और हम लोगों का हमेशा से प्लान ये होता है कि जब भी बसंत होती है हम लोग सबसे पहले उठ के नाश्ता करते हैं मजेदार सा। तो अभी वो लोग गए हुए नाश्ता लेने, वो आते हैं, हम टेबल पे लगाएंगे और सारे मिलकर नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे जुमा पढ़ने और जुमा पढ़ के आएंगे और फिर भरपूर तरीके से हर दफा की तरह बसंत मनाएंगे। गुड्डे लेके आए इतने प्यारे प्यारे, तो ये फैजी भाई प्यारे प्यारे गुड्डे लेके आए, इनको इस दीवार पे लगाना है अभी। तो ये गुड्डे भी मैंने यहाँ लगा लिए हैं। और निकाश भाई कैसे हैं, सुनाए अरेंज करें ना, वो नाश्ता लेके बस आने वाले हैं, भूख लगी हुई है। फिलहाल का मैं आपको स्टेटस बताता हूँ, धूप बहुत ही ज्यादा तेज है, बिल्कुल जितना पिछले साल सवा नेजे पे सूरज अभी भी आया हुआ है। आई कैन बेयरली ओपन माई आईज राइट नाउ। लेकिन अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपने दोस्तों का, वो लोग नाश्ता लेके आएंगे। वो नाश्ता आ गया, वाह जी वाह, क्या बात है। अब हर दफा की तरह यही प्रॉब्लम आ रही है कि धूप बहुत ही ज्यादा है और मैं यहाँ छाव में आके व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं रीटेक पे रीटेक ले रहा हूँ और यही हमें प्रॉब्लम आज पूरा दिन आने लगी है क्योंकि सर्दियाँ, धूप बहुत ही ज्यादा, धूप बहुत ही ज्यादा तेज है। धूप बहुत ही ज्यादा तेज है जिसकी वजह से मैं धूप बहुत तेज है जिसकी वजह से मैं भूली जा रहा हूँ, साथ में धूप लगती है, मेरी लाश चली जाती है, मैं गजनी बन जाता हूँ। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। पेप्सी वालों ने आपको स्पॉन्सर नहीं किया, जो छतरी होती है दो एक आ जाती, हमारा काम हो जाता। टेबल वाली भी ले आते हैं, उसको कहते हैं चार टेबल भी दे दो पेप्सी वाले, कुर्सियां भी आ जाती। तू ना बहुत खाली पी। अच्छा तो हर दफा की तरह मसला ये है कि धूप बहुत ही ज्यादा तेज है, बिल्कुल सामने मेरे सूरज है, जिस तरह लास्ट टाइम सवा नेजे पे सूरज था अभी भी आ सकता है। आपने अभी जो मिसाल दी है सवा नेजा आपको पता है कितना होता है? क्या सवा नेजा क्या होता है? इतना रात टूट गया, चल रात तोड़ दी है, हमने एक बंदा एक वक्त में एक चीज बोले, देखें आप अभी नीचे कराया, टूटा नहीं है, उतरे। अच्छा टूट तो नहीं गया, ये टूट गया, टूट गया। जैसे जैसे अभी हम छत में नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं गुड्डे उड़ना शुरू हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा कैप्चर कर सकता हो तो। वो लोग नाश्ता लेके आएंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे, दो गुड़े उड़ाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे जुम्मा पढ़ने। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं धूप बहुत ही ज्यादा है, तो हम लोग क्या क्या हरकतें कर रहे हैं इस दफा। कैसर भाई कैसे हैं आप, बहुत मिस किया हमने आपको, ऑडियंस ने भी आपको बहुत मिस किया। बताए आज क्या नाश्ता करा रहे हैं? आज पिछले साल की निस्बत इस दफा पाए भी हैं, दो किस्म के चने हैं। अच्छा चने लिए हैं, दो दो जगह से चने लिए हैं। हाँ जी, और साथ चटनी भी है। अच्छा मैंने तो किस तरह रोका हुआ था ये बात मैं जानता हूँ। नाश्ता हमने कर लिया है और अब हम जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं।
तुम लोगों का नाश्ता मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने अपने लिए नाश्ते का खुद अरेंज किया। ये हमारा पहला गुड्डा उड़ने को जा रहा है, जब तक मैं नाश्ता कर रहा हूँ ये लोग पहला गुड्डा उड़ा रहे हैं अपना। ये गुड्डा इन्होंने फाड़ दिया जो इनसे उड़ नहीं पा रहा। कैसर भाई हर दफा की तरह ऊपर, कैसर भाई हेलो बोलो। हाय, अगला गुड्डा तैयार हो गया और ये अगला गुड्डा भी उड़ने को तैयार हो रहा है। पहले ये उड़ाएंगे फिर ये उड़ाएंगे, तो ये गुड्डा नहीं उड़ाते हैं, मैं सिर्फ देखता हूं, ये देखते हैं। तो धूप बहुत तेज हो गई थी जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ग्लासेस पहन ली हैं, मैं पढ़ के आ चुके हैं, मैंने दोबारा से नाश्ता भी कर लिया है। तो अब हम लोग अपना पहला गुड्डा उड़ाने लगे हैं सारे। तो वेदर इस टाइम मतलब आसमान खाली है, आसमान पे बिल्कुल बादल नहीं है, हवा तेज चल रही है। अभी आपको दिखाते हैं कि इस टाइम गुड्डे कितने उड़े हैं। कैसर भाई चढ़ गए हैं छत पे, अपना पहला गुड्डा उड़ाने लगे हैं। दोकला गुड्डा उड़ाएंगे आसमान पे, मैं आपको दिखाता हूँ इतने गुड्डे इस टाइम उड़ रहे हैं। ये भी उड़ाने लगे हैं एक वक्त में, छत में दो गुड्डे उड़ने लगे हैं इकट्ठे। ये पहला गुड्डा इनका, पापा की तरह चकड़ी पकड़ के खड़े हैं। बच्चे आप ये वीडियो ना देखें जब इनका कैमरा हो। कैसे भाई इस खूबसूरत दौर से अपना दोकला गुड्डा उड़ाने लगे हैं। हाँ भी ये गुड्डे उड़ना शुरू हो चुके हैं, आई एम एक्साइटेड कि गुड्डे उड़ना शुरू हो गए हैं। कैसर भाई स्ट्रगलिंग विद हिज फर्स्ट काइट। 20 मिनट बाद इनका दोकला गुड्डा वो उड़ा है ये, और ये नदीम भाई भी दोकला गुड्डा एक साइड पे गिर रहा है, और ये भी अपना पहला गुड्डा उड़ाने के लिए तैयार है। और अली भाई हर दफ़ा की तरह सिर्फ देखते हुए क्या हुआ, आगे चलते हैं। ओ ये हुँ? हुँ? ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो? जो दो घंटे से गुड़ा उड़ा रहे थे दोकला वो कट गया, और नदीम भाई का कामयाब है, नदीम भाई का कामयाब है वो उड़ा है, और ये सिर्फ देख रहे हैं। अभी मैं किसी एक बंदे की पकड़ सकता हूँ कि कौन सी पकड़ जल्दी करना। अच्छा ये ठीक है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी जिंदगी कुछ ऐसी सी है। ये क्या है, ये स्पीकर है छोटा यार, ये तो आपसे भी छोटा है। अमर भाई आप फाइनली गुड़ा उड़ाने लगे, पिंक कलर का इन्होंने मुझे क्यों दिया है मेरी समझ से बाहर है, लेकिन आए उड़ाते हैं। पीछे काटे हैं, मुबारक डोर है, मिलते हैं अब आपको कन्या डालने के बाद। अच्छा तो हमारा गुड्डा एक्चुअली फट गया, मैं कन्या डाला था, तो इसके लिए चेपी यूज होती है। आजकल हम स्कॉच टेप यूज करते हैं, पहले चेपी यूज होती थी, मैंने स्पेशल हरिपुर से चेपी मंगवाई है क्योंकि वो लाइट वेट होती है, उससे गुड्डा वजनी नहीं होता, तो अभी हम उससे जोड़ते हैं। कन्या डाल गई 2000 लेटर, और ये इन्होंने हराम करा दी, और इन्होंने ये हराम करा दी। किस तरह बैठना मुनासिब है, किस तरह जैसा मैं बैठ रहा हूं, मैं लग रहा चोकड़ी मार के। अच्छा गाइस इधर देखिए, अली भाई निकाश भाई का काला गुड्डा उड़ रहा है, वो उंगली से दिखाएं, इसका पेचा लगेगा ना, दिखाना है। और ये देखिए इनकी डोर इन्होंने पकड़ी हुई है, मेरी डोर इन भाई ने पकड़ी हुई है, और हम सीट में गुड्डा उड़ाने लगे। वहाँ कैसर भाई की तुक्का नहीं उड़ के दे रही, मैंने सही कहा था। ये इनके काम है, ये इनके काम है। ओ तुक्कल निकाश भाई ने कहा मैं तुक्कल काटूंगा, इनकी डोर खुल गई है। ये कैसे भाई की तुक्कल उड़ गई है, पहले तोड़ दी, और हमारे मुकाबले में बहुत बड़ा कैंडिडेट वो बच्चा उड़ा रहा है। और ये देखिए मेरा गुड्डा ये उड़ाने लगे है, आपने काम ही ऐसा किया। ये गुड्डा आ रहा है, ये हम पकड़ेंगे, ये गुड्डा कट के आ रहा है, ये मैं पकड़ूंगा मैं। यार रोड पे गिर गया वो, देखो कैसे हमारा भाई ऊपर चढ़ गया गुड्डे के पीछे। ओ गुड्डा खुद ही उड़ के ऊपर आ गया, ओ गुड्डा खुद ही ऊपर उड़ के आ गया, ये नसीब का अपना, इधर आएगा इधर मेरे पास आएगा ये गुड्डा, जिन्हें रूक लिया था ठीक है, ये कैसे पकड़ेगा। ओ ओ ओ पकड़ लिया, हाउ कना
कैसर भाई यार कितना प्यारा घोड़ा पकड़ा था दिखाए वहाँ जो ढाई सावा कैसर भाई ने पकड़ लिया दिखाए ये देखिए अभी इस टाइम आसमान पे इतने गुड्डे उड़ रहे हैं और ये चार कट्ठे चढ़े हुए हैं इस टाइम। ये नदीम भाई काला गुड्डा उड़ा रहे हैं और चिड़खड़ी इन भाईजान ने पकड़ी। भाईजान अपनी शक्ल दिखाएं। निकाश भाई निकाश भाई निकाश भाई तो ये होता है ना, ये स्वैग होता है। एक हाथ से फोन सुन रहे हैं, एक हाथ से गुड्डा उड़ा रहे हैं यार, ये स्वैग होता है। इतना अली भाई लाइफ में इतना स्वैग चाहिए, इतना होना चाहिए ना। आप सही कैप्चर हो गए। वो देखिए नदीम भाई ये चेक कर। ये अभी कुछ भी नहीं है, अभी सबर करें। और गया ये डोर पे देखे क्या हो गया, क्योंकि ये भाई ऐसा गुड्डा उड़ाते हैं आसमानों की बुलंदियों पे। ये देखो क्या गुंजन निकला था ना, तो चिड़खड़ी की आवाज ही चेंज हो जाती है। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 लोग मिलके एक गुड्डा उड़ा रहे हैं और पागल हुए हैं गुड्डा ये भाई उड़ा रहे हैं। गुड्डा धसा हुआ पूरा बहुत ज्यादा और यहाँ की डोर टूट गई है। ये क्या हो रहा है? अरे कंफ्यूज नहीं होना, सबा ना दी चल 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 नजर ही नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो? आपको पता है गुड्डा किधर? आप किसी 200 बंदों से पूछ चुके हो गुड्डा किधर है। यार आपस की बात है, एंजॉय मैं भी करूं, मुझे भी नहीं पता गुड्डा किधर है। एक गुड्डा पिछले 2 घंटे से उड़ रहा है और 6-6 बंदे मिलकर उड़ा रहे हैं और डोर की चटनी डोर को मैसे डील दे रहे हैं। वैसे गुड्डा किधर है? गुड्डा नहीं है वो, लाल वाला। अरे गुड्डा किधर है? लाल वाला किधर है? बताओ गुड्डा कौन सा है? वो थले क्रीम वो है, उन्हीं में से कोई है। नदीम भाई आप गुड्डा उड़ा रहे हैं काफी देर से, कौन सा गुड्डा? ग्रीन वाला गुड्डा भाई। अब ग्रीन किधर है? वो ग्रीन वाइट के साथ वाला। अच्छा वो बात में चलो, आपको आप समझ आइए गुड्डा कहां है। नहीं नहीं इनसे पूछते सुदान गुड्डा कहां था। वहां पर था, उधर किधर चला गया? बारह तावे की जोड़ी उधर की है। वैसे गुड्डा है किथे? चले गए, उनका गुड्डा कट गया। मुझे इधर काट पड़ा, ये देखो उल्टी साइड मुझे ये काट पड़ा होगा अभी। ये छाव जब आपको मिल जाए ना, आप ऐसे लाइफ में चिल होके बैठते। जी हम लोगों ने अपने पहले 5 गुड्डे उड़ा लिए हैं। बसंत अपने उरूज पे पहुंच रही है, सब लोग अपनी छतों पे चढ़ चुके हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हर दफा की तरह ये कैसर भाई की तुक्कल उड़ी है, ठीक है। यहाँ निकाश भाई का काला गुड्डा उड़ा है, ये फिलहाल ये पिंक गुड्डा उड़ा है, वो नदीम भाई का भी पिंक गुड्डा उड़ रहा है। एक वक्त में इस छत से 4 गुड्डे उड़े। कन्या देखे कितनी बड़ी डाल दी। ये लाल गुड्डा भी मैं उड़ाने लगा हूँ, इन दोनों में से कोई डोर के साथ। गुड जॉब, गुड जॉब अमर। अली भाई के साथ प्रैंक करने लगा हूँ। ओह
आती है डेडिकेशन, गुड्डा उस बंदे ने नहीं छोड़ा, गुड्डा नहीं छोड़ा उस बंदे ने, वो पूरा सोच कहने पे उड़ाया पहला। और ये गुड्डा वही है जो मेरा भी कटा है, इन्होंने वापस ले लिया पता नहीं कैसे। फाइनली ये मेरे पास आ गया, मैंने बहाने से उसको दिया था। अमर वो ये देखो अच्छा गुड्डा नहीं छोड़ा इसने, अपना शिगिर्द है ना, पेचा लग गया, पेचा लग गया जी, पेचे पे भी, पेचे पे भी। उठाओ उठाओ ये काट दिए, थोड़ा बहुत रह गया। नहीं पास करो ना अश्वन भाई, गुड़ा उड़ाएंगे अश्वन, ये पकड़ो सारे वो, पकड़ो ना पकड़ो, पकड़े ये लो, जो ये गुड्डा उड़ाता है उसका होता है ये दोकला गुड्डा बड़ा। कैसर भाई को बुला दो, कैसर भाई को बुला दो, कैसर भाई को बुला दो। ये गुड्डा अश्वन भाई, निकाश भाई पीला गुड्डा उड़ाने लगे। अच्छा अश्वन भाई का ये पहला गुड्डा है, ये इनका ये पीला गुड्डा, और मैं उड़ा चुका हूँ, मेरी बिस्मिल्लाह हो चुकी है, गुड्डा एक काटा और एक से अपना कट गया। अच्छा सही बताओ इस्लामाबाद से आए हो, जल्दी से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आग क्यों चल रही है, क्योंकि हम लोग बनाने लगे हैं फ्राइज। आज हम आपको सिखाएंगे फ्रेंच फ्राइज एक यूनिक। इनका सेटअप चेक करें, बीच में चढ़ाकड़ी भी पड़ी हुई है ट्रे में। ये याद आ रही है ना कि बसंत है, बसंत में हम ये कर रहे हैं। गर्म हो रहा है माशाल्लाह, ऑयल तो मुझे लग रहा है। इंग्लिश के प्रोफेसर है ना, हैं आपसे चीज़ पूछनी है, जलेबी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यू अमर ये आपके बाद में क्या है? ये अभी मेरे साथ ना, मैं स्नो फॉलिंग हुई है, मैं आपको नहीं बता सकता मेरे साथ भी क्या हुआ है। ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है प्लान सी रेस्टोरेंट की तरफ से, जो कि F7 मर्कज में मौजूद है। उनका फूड बहुत ही अच्छा है और उन्होंने ट्राई करने के लिए हमें भी भेजा है। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप उस रेस्टोरेंट जाएं और उनका खाना ट्राई करें, क्योंकि उनका खाना बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी प्राइसेस है। F7 मर्कज इस्लामाबाद। तो बसंत अपने उरूज पे है, तो मैं नीचे आया हूँ अपना गुड़ा लेने जो मैंने स्पेशली मंगवाए थे। अच्छा ये कार्ड्स मैंने स्पेशली तैयार करवाई थी और मैंने सोचा था कि हम बसंत भी इनको उड़ाएंगे, लेकिन हमने डिसाइड ही किया कि ये कार्ड्स बहुत ही प्यारी हैं, तो हम इनको डेकोरेट करके अपने पास रखेंगे और कभी अगर जिंदगी में मौका मिला तो फिर हम उसको उड़ा लेंगे। ये टुक्कल मैंने स्पेशल इनसे हरिपुर से मंगवाई थी, जो मैं अभी उड़ाऊंगा। ये परी का डिजाइन मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये भी उड़ा, इसका डिजाइन बड़ा डरावना है, ये भी मैं उड़ाना चाहता हूँ। और ये मल्टी कलर का गुड्डा है, ये भी अभी हम उड़ाएंगे। ये जो मेरा गुड्डा जो मैं कहा था उड़ाऊंगा, ये अश्वन भाई उड़ा रहे हैं चरखड़ी को इस तरह लगा के, इनसे गुड्डा उड़ता कोई नहीं है। सबसे पहले बीरा फिर चार लेंगे। अच्छा तो आखिरकार अब जाके धूप हल्की हुई है और अब मेरी आंखें खुल गई है, मैंने अपनी सनग्लासेस भी उतार दी हैं और इस टाइम बहुत ज़्यादा गुड्डा उड़ रहा है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बसंत का पीक पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, अब आना शुरू हुआ है मज़ा। अब जैसे ही गुड्डा आसमान में उड़ाते हो, आपका गुड्डा फौरन कट जाता है, पीक पॉइंट ऑफ बसंत, आई एम लविंग इट। यकीन नहीं आ रहा कितना गुड्डा उड़ा यार, मेरे पीछे देखो, नहीं आता अभी दिखाता। ये मैंने स्पेशल हरिपुर से अपने लिए टुक्कल मंगवाई थी और मैं फर्स्ट टाइम टुक्कल उड़ाने लगा। लेट्स गो फॉर द बेस्ट। क्या पकड़ पकड़ रहे अब तेरा चार गुड़े का ये ऐसे ना छोड़ा नहीं आता है लगे चार गुड़े काट गई पकड़ पकड़ ये दो बार बाड़ी की इसके जान 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 इसको ओए अस्मान को गर्दन में चाहिए बड़ी जरा जाने दे गुड़ा गिर गया वाइट उड़ाया।
भाई ने सुबह से एक गुड्डा नहीं उड़ाया, तो मैंने इनको अब जबरदस्ती अपने ब्लैक गुड्डे पे कनियां डाल के दी हैं ताकि एक गुड्डा उड़ाए। इतनी खूबसूरत बसंत का क्या फायदा भाई, देखने में नहीं अब आप उड़ाओगे ये भी उड़ा लोगे ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? चलो ये द ग्रेट अमर ने ग्रेट अमर ने पता क्या साइंस की है, सिर्फ कनिया ठीक कराने के लिए मुझे घुड़ा दिया, उड़ा खुद रहा है, मैंने ठीक कर दिए। ये ब्लैक वाला ढील दो, पेचा ढील दो, काया बू क्या किया द ग्रेट अमर फाइनली। अच्छा तो एक बड़ी मजे की बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, पिछले 4 साल से हम लोग बसंत मना रहे हैं और 4 साल से मेरी डिफरेंट लुक्स आपको देखने को मिली हैं। जब मैंने पहले साल बसंत मनाना शुरू की थी, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी उस टाइम मैं कुछ ऐसा दिखता था, दो के हम लोग छत पे चढ़े हैं जी, देखते हैं क्या सीन है छत। उसके बाद जब दूसरे साल में आए तो मैं थोड़ा इंप्रूव हो गया, मैं ऐसा दिखने लग गया, धूप बहुत ज्यादा हो गई थी सब। उसके बाद जो लास्ट ईयर बसंत मनाई थी उस टाइम मैंने बाल लंबे कर लिए, तो फिर मैं ऐसा दिखता था। बहुत ज्यादा आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि बसंत 20 और अब मैं ऐसा दिखता हूँ, तो ये मेरी 4 डिफरेंट लुक्स है आप लोगों ने देखी है। ये अवैस भाई बहुत अच्छा गुड़ा जा रहा है आपका, आपने बताया नहीं जलेबी की इंग्लिश क्या होती है। ये निकाश भाई ने चिप्स तैयार किए हैं और ये मैं रखने लगूं, देखें खाली कैसे होते हैं। आज ये सब खाना शुरू करें, आजा खाना खुल गया। अमर हाँ? आपने अपना फेमस डांस नहीं किया, करो फिर आज जो हमारे साल हो जाए। मैंने मेरे लंबे बाल होते थे, अब नहीं है, लेकिन डांस नहीं रुकेगा। कितने गुड़े उड़ाए हैं? मेरे 10-15 गुड़े उड़ाए हैं। और कांटे कितने हैं? कांटे गिनती खत्म हो गई। निकाश भाई आपने कितने गुड़े उड़ाए हैं? मैंने 3 गुड़े उड़ाए हैं। और कांटे कितने हैं? 4 ही कांटे हैं। आपने कितने गुड़े उड़ाए हैं? 4 गुड़े उड़ाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने आप पर फख्र है, इंसानों के लड़कों से 16 गुड़े काटे हैं। अच्छा 16 आपने तो सिर्फ देखा है ना? मैंने देखा है। आपने कितने गुड़े उड़ाए हैं? 5-7 वो काटे हैं कोई? 2-3 काटे। आप तो इंग्लिश प्रोफेसर हैं। मगरिब होने वाली है और ये आखिरी गुड्डे उड़ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ज्यादा उड़े हैं। मैं अपना आखिरी गुड्डा ये ले आया हूँ और मैं ये उड़ाने लगा हूँ और अभी देखता हूँ मैं कितने गुड्डे काट सकता हूँ। ये देखें क्या कर गए आपको? मूंछें बनाई इन्होंने। चले इतनी तैयारी करके कौन मारता है भाई?